दर्पण नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रातः दर्पण न्यूज में। दर्शकों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। बिहार के पटना के बेटा स्थित औरंगाबाद समरणालय परिसर में एनडीआरएफ द्वारा एनसीसी कैडेट्स को भूकंप आने पर बचाव की ट्रेनिंग दी गई। ट्रेनिंग के दौरान स्ट्रक्चर पर घायलों को ले जाते हुए अफरा तफरी के माहौल में हूटर की आवाज सहित अन्य सराहनीय तस्वीरें भी नजर आई। अफरा तफरी के माहौल में हूटर की आवाज, कुर्सी सिर के ऊपर कर खुद को बचाते एनसीसी कैडेट्स लोगों को स्ट्रक्चर पर ले जाते। एनसीसी कैडेट्स इलाज करती मेडिकल टीम और सायरन की आवाज के बीच घायलों को ले जाती एम्बुलेंस। ये तस्वीरें देख साफ लग रहा है कि कोई बड़ा हादसा हुआ है और रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। पहली नजर में तस्वीरों को देख यही बात हर किसी के दिमाग में आएगी, लेकिन मामले का दूसरा पहलू भी है। दूसरा पहलू ये है कि कहीं कोई हादसा नहीं हुआ है, बल्कि यह तस्वीरें भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अधीन नेशनल डिजास्टर रेस्क्यू फोर्स NDRF बिहार के पटना के बेटा स्थित औरंगाबाद समरणालय परिसर की है, जहां भूकंप आने पर बचाव की ट्रेनिंग दी गई। निसंदेह तस्वीरें शानदार हैं और जनता में जागरूकता लाने के लिए सरकार का यह प्रयास सराहनीय भी है। की तरफ से जिलों में जो आपदा आती है उनके संबंध में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है। उसी क्रम में औरंगाबाद में भी आज मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। हमारे यहाँ पे बाढ़ की संभावना कम रहती है, किंतु हमारे यहाँ पे भूकंप आने की संभावना रहती है। उसके लिए उन्होंने आज एक मॉक ड्रिल करी थी, जो कि कलेक्ट्रेट में की गई थी, और सभी कर्मियों को जानकारी दी थी कि अचानक से अगर भूकंप आ जाता है तो अगर रूम में अपने काम कर रहे हैं उसके बाद उन्हें क्या क्या करना है। जैसा कि उन्हें किसी कोने में खड़े हो जाना है, या फिर अपनी चेयर जो होती है, टेबल जो होती है, उसके नीचे रुक जाना है ताकि सिर की चोट को बचाव कर सकें, और तुरंत बाहर निकल जाना है। उसके बाद बाहर निकलने के बाद एक जगह एकत्र हो जाना है, अपने कर्मियों की संख्या गिन लेनी है, कोई कर्मी कम है तो उसकी खोजबीन करनी है, और मेडिकल टीम के पास किस तरह से करना है, मेडिकल टीम किस प्रकार से कार्य करेगी उसका उन्होंने मॉक ड्रिल किया। सभी लोगों को उसकी जानकारी मिली है।